बैरामन साहब, आज हमने देखा कि मुल्क भर में एहसास प्रोग्राम के अंडर जो डिजर्विंग फैमिलीज थी उनको जो है रकूम फराहम की गई है और पहले मरहले में 23 लाख फैमिलीज को इमदाद दी गई है और कलेक्टिवली 1,20,00,000 फैमिलीज जो है उनको ये इमदाद फराहम की जाएगी। और हमने देखा कि ये सेंटर ज्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल से उसमें स्टैब्लिश किए गए, सुबह 8 से 5 बजे तक जो है मुस्तहक अफराद में ये रकूम दी गई है उनकी वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के थ्रू होने के बाद। तो क्या आपको लगता है कि जिस किस्म के हमें इस वक्त क्रिटिसिज्म नजर आ रहे हैं, क्या इसको एक अच्छा प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, समझना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच नीलम। बात यह है कि आज 26 फरवरी को पाकिस्तान में सिंध में पहला केस आया था और तकरीबन आई थिंक 3 दिन के बाद गवर्नमेंट सिंध ने एक फैसला किया, फिर एक हफ्ते के बाद एक और सख्त फैसला किया और फिर तीसरे हफ्ते उसने फिर वफाकी हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिक्वेस्ट की कि आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मेरे हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप आगे बढ़े, आप लीड करें इस कौम को और यहाँ पर हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए बल्कि हमें सब हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि एक ऐसी वबा जिसको पूरी दुनिया को लपेट में लिया है और हम इसका मुकाबला तब कर सकते हैं जब हम एक पेज पे आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन से लेके आज तक जो इसने एक दफा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसने कौम को लीड नहीं किया। मैं यहाँ पर नहीं चाहता हूं कि मैं सियासी बात करूं, लेकिन एक ऐसे वक्त पर जो मेरे प्राइम मिनिस्टर कभी रिलीफ फंड के जरिए, कभी टाइगर फोर्स के जरिए, कभी लॉकडाउन करने न करने के जरिए कौम को तकसीम किया है, आज तक हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। किसी भी क्राइसिस का मुकाबला उस वक्त तक आप नहीं कर सकते जब तक आप कौम ना बने, आप नेशन ना बने। और नेशन कौम बनाते हैं, मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क का बादशाह।